टूडेज टॉपिक इज वट आर सब्जेक्ट एंड वट आर इट्स टाइप्स द सब्जेक्ट पहले होता है सब्जेक्ट सेंटेंस में वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो या जो काम करने वाला हो सेंटेंस में डेफिनेशन देखते हैं इन ग्रामर द सब्जेक्ट इज नाउन नेमिंग वर्ड्स प्रो नाउन डेट कैन बी यूज इन स्टेड ऑफ नाउन्स और नॉन फ्रेजेस डैन परफॉर्म द एक्शन और इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस

सिंपल सब्जेक्ट अब सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं इट रेफर्स टू सिंगल नाउन और प्रोनाउन समटाइम्स प्रोसीडेड बाय अ डेफिनेट और एन इनडेफिनेट आर्टिकल डेट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ठीक है क्या है हमारे पास सिंगल नाउन्स है और प्रोनाउन्स है इट कैन बी अ नंबर वन सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे पास कमेंट करें कि आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं या नहीं पता एट नंबर टू वी हैव मस्कुल एंड प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर नेम्स प्लेस या थिंग प्रॉपर नाउन क्या है स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग को कहते हैं नंबर थ्री वी हैव कलेक्टिव नाउंस कलेक्टिव नाउन्स वर्ड इंडिकेट्स के मोर देन वन या दो से तीन से चीजों के बारे में बता एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं वी आर वॉचिंग टीवी हेयर वी इज सब्जेक्ट प्रोनाउ नंबर टू ही इज रनिंग टू कैच अप टू द बस अब हीज ये भी जो है हमारे पास क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन नंबर थ्री पे हम एग्जाम्पल देखते हैं लूसी स्लीप्स एट टेन पी एम लूसी क्या है फीमेल प्रोपर नाउन अगर हम इस तरीके से कहते हैं मैथ्यू स्लीप्स एट टेन पी एम तो ये हो जाएगा मेल प्रोपर नाउन नंबर फोर पे हमारे पास एग्जाम्पल द टीम फेल द स्कोर अब टीम वर्ड क्या इंडिकेट करिए कोलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही हेयर्स a flow chart of first person second person third and fourth person pronoun two thousand years later number two we have compound subjects compound subjects as their name suggests consist of two or more nouns or pronouns टिंग कंजक्शन कंजक्शन कौन सी कंजक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन आर बेसिकली वर्ड्स दैट जॉइन टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस फ्रेजेस टूगेदर वी यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। There are seven coordinating conjunctions. For example, for, and, nor, but, or, yet. So, इन सबको हम कैटेगराइज करके हम इनको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं फैन बॉयस हर वर्ड का इनिशियल ले लिया हमने और उसको हमने

प्रॉपर नाउ ठीक है और his sister लगा के हमने क्या कर दिया यहाँ पे किस चीज को इस्तेमाल कर लिया प्रोनाउ को ठीक है हमने इसको ज्वाइन किया है कोर्डिनेटिंग कंजेक्शन से नंबर थ्री मेंट सब्जेक्ट अंप्लीट सब्जेक्ट इज द इंटायर नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज दैट इनक्लूड्स द सिंपल सब्जेक्ट एंड एनी वर्ड और फ्रेजेफाईन और नाउन क्लोजेस क्या होता है सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट जबकि हमारे पास जो फ्रेजेज हैं इट एक्ट एज सिंगलिट बट डो नॉट कंटेन सब्जेक्ट और प्रीडिकेट Eight-year-old boy who won the contest dedicated a reward to his mother. Now this sentence, mein the eight-year-old boy who won the contest. This is a complete subject. Hai. Entire subject. And dedicated the reward to his mother. This the remaining sentence. Hai. Function. Hai. A subject in a sentence can do different things. Number two. दो हैं नंबर वन एक्शन और नंबर टू लिंकिंग वर्ड्स लिंकिंग वर्ड्स किस तरीके से दे आर यूज टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक्शन जहां सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है अली इज प्लेइंग एट द बीच अब प्लेइंग क्या है एक्शन इज परफॉर्म्ड तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है एक्शन परफॉर्म का भी काम कर रहा है अली क्या है सब्जेक्ट है क्योंकि अली के ऊपर बात की जा रही है लिंकिंग वर्ब्स माय सिस्टर इज वेरी स्टर्बन शी इज वन विद द रेड हेयर ये है क्या लिंकेज शो कर दी गई है दो सेंटेंसेस के दरमियान होप यू लाइक द वीडियो